बोलिए इन दोनों में क्या बोलेंगे, या चौथे पे सेट है वहां भी चौथे पे सेट है, ठीक वन टू थ्री घुमाओ, वन टू थ्री घुमा दिए, कैसा घुमा एस, कैसा घुमा एस, इधर आ जा, ये कैसे घूम रहा है बोल, हाँ देख अब आया, ये क्या वन टू थ्री कैसे घुमा, ये भी एंटी क्लॉक वाइज कैसे घुमा एस, खत्म, इसका मतलब क्या दोनों के दोनों एस है, दोनों का दोनों क्या है एस है, दोनों का दोनों क्या है एस। अब देख अब एक बहुत ज्ञान वाली बात क्या कि सर एस एस आया इसका मतलब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ना, इसका मतलब क्या इसी में डबल एक्सचेंज करके वो बना दिए हो गया पक्का पक्का है कि नहीं। चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से एच तो अपनी जगह फिक्स है, इसका मतलब हाइड्रोजन को तो नहीं हटाया गया, अब आओ आराम से ओ एच को कहां लाया गया है, यहां लाया गया, तो पहला एक्सचेंज, पहला एक्सचेंज देख ध्यान से, ओ एच को कहां लाया गया इस पोजीशन पे, इसकी पोजीशन बदलते ही पता चल गया ओ एच यहां बदला, अगर ये सिंगल एक्सचेंज करके छोड़ देते तो सी एच थ्री ऊपर होता, क्या सी एच थ्री ऊपर है नहीं, तो सी एच थ्री को फिर कहां ले आए तुम, सी एच थ्री को कहां ले आए तुम बोलो नाइट्रोजन की जगह, और फिर नाइट्रोजन को कहां ले गए वहां ले गए, यस आर नो बोलो यस आर नो क्लियर। अरे ओ एच को लाया यहां तो यहां आ गया, सी एच थ्री गया यहां तो यहां रहता, लेकिन सी एच थ्री वहां नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब सी एच थ्री को तुम यहां लाए और एन एच टू को वहां ले आए, तो एक बार एक्सचेंज यहां किया दूसरा बार एक्सचेंज यहां किया तभी तो वो बना है, बोले यस सर वो तो डबल एक्सचेंज के थ्रू आया, यस सर नो क्लियर है, क्लियर है समझ मारी बात, तो ये सब बातें साबित होती चली जाती। देख मैंने शुरू से एक बात कही आपसे, क्या सवाल का सॉल्व हो जाना इज नॉट द इश्यू, आंसर मिल जाना इज नॉट द इश्यू, इश्यू ये है कि बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्या हम कॉन्सेप्चुअली आंसर दे रहे हैं या तुक्का लगा के आंसर दे रहे हैं, या हम किसी सवाल से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। अगर आपने किसी सवाल से कुछ नई बात सीख ली ना तो ये असल असल चीज है, असल चीज ये है, सवाल का सॉल्व हो जाना, अरे वो तो होगा ही, वो तो होगा ही है कि नहीं, क्लियर है, वो सेकेंडरी चीज है, असल चीज क्या है, एक होता प्राइमरी एक होता सेकेंडरी है कि नहीं। जैसे तुम गाय लेकर के आते हो, काय के लेकर आते हो गाय, अरे दूध लेने के लिए, गाय भैंस है कि नहीं, दूध लेने के लिए, गोबर लेने के लिए जाता है क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि गोबर तो सेकेंडरी है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा है कि नहीं। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो, काय के लिए, दिल को खुश रखने के लिए, समाज की भलाई के लिए, पैसा क्या है वो सेकेंडरी है, वो तेरे पास आएगा ही आएगा, क्लियर क्लियर। वैसे ही सवाल तो तुमसे सॉल्व होगा ही, वो तो सेकेंडरी है, असल चीज क्या है, असल चीज है तुम इससे सीखे क्या, ज्ञान क्या मिला तुम्हें, ज्ञान असल चीज है, क्लियर, कॉन्सेप्ट सीखना ये असल चीज है।